नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। आज हमारे यहां पर जो मेट्रो डिपार्टमेंट के एमआरडीए का जो वर्क चल रहा है, यहां पे मेट्रो का कहना ये है कि हमने जिसको शिफ्ट किया है वो एरिया, मतलब जैसे जी किसी का ये दिया वो दिया, जिसका भी शिफ्ट कर करके जो शिफ्टिंग इन्होंने दिया है वही एरिया तोड़ने का इनको इन्होंने बताया था, हमने बात भी किया था। तो इस तरह का कार्य इन्होंने किया है आज, बाकी कोई अनलीगल काम इन्होंने किया नहीं है। तो मेट्रो डिपार्टमेंट के वर्क के लोग को सब लोगों ने कॉपरेट किया, यहाँ की जनता उनका आभार मानती है कि आप जितना हमसे लिए थे उतना ही तोड़ना आपका कार्य समझ करके आप वहाँ पर मार करके आप अपनी व्यवस्थाओं को तोड़ रहे हैं, उतना ही ले रहे हैं। मेट्रो डिपार्टमेंट का कोई ये मतलब नहीं है कि नहीं आपकी पूरी प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में एक दूसरी बात सुनने में आई है कि मेट्रो डिपार्टमेंट के लोग आएंगे तो यहाँ बिल्डर के लोगों द्वारा, पीडब्ल्यूडी के लोग, मुंबई महानगर पालिका के लोग यहाँ पर आएंगे, डबल रिमार्क करेंगे और लोगों को पीछे हटाएंगे। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि 1962 के पहले से जितने भी यहाँ पर स्थानिक लोग हैं जो मेट्रो ने मापा उनको दिया, तो आज पीडब्ल्यूडी आए या मुंबई महानगर पालिका आए तो उनको अगर जरूरत एक्स्ट्रा जगह की है तो उन लोगों को अलग ढंग से शिफ्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लैंड एक्विजिशन वाले यहाँ पर हैं जिसके बाप दादा 1962 के पहले से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, तबेला है जैसे, और कुछ उद्योग है डेयरी फार्म का, तो बहुत लोग हैं। हाईवे पे और ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल सेंटर था लोगों का, तो आज मेट्रो डिपार्टमेंट ने लोगों को कोटा केबिन दिया, कुछ लोगों को परमानेंट दिया, कुछ लोगों को टेम्परेरी दिया। तो ये काम मेट्रो डिपार्टमेंट के लोगों ने जो किया आज हम उनका आभार मानते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी यहाँ पर आए तो इज्जत से, जिस तरह से मेट्रो डिपार्टमेंट ने अपना वर्क आउट पूछ करके कि भैया आपका क्या है, क्या पेपर है, सब देखते हुए काम किया है, तो मेरा कहने का मतलब तो यही है कि आप लोग भी लोगों के डॉक्यूमेंट का एक चेक करने का एक फॉर्मेलिटी निकालें, विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ वर्क आप न करें। नागेश जी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ कि जो अधिकारी ऐसा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बीएमसी के हों या एमएमआरडीए के हों या पीडब्ल्यूडी के हों, विदाउट नोटिस इंटीमेशन के कैसे वो थोड़क कार्रवाई करने या रिमार्क करने आ रहे हैं? नहीं, नहीं, कुछ लोग एक्चुअली क्या है बात, इसमें देखिए कुछ ये सब उड़ती हवा है ना, हवाओं के बीच में हम आज आपसे बात कर रहे हैं, तो उस बात का मतलब ये है कि बात कन्फर्म नहीं है। हमारे पास तो कोई ऑफिसर नहीं है पीडब्ल्यूडी का, हमारे पास कोई बीएमसी का ऑफिसर नहीं है। आज मेट्रो डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहा है तो मेट्रो डिपार्टमेंट अपना वर्क कर रहा है, और पीडब्ल्यूडी जब आएगी तो हम उसे बताएंगे कि नहीं भाई हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हमारे लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे अभी जैसे आपके चिंतामणि भास्कर दुबे और उनके बेटे राजेंद्र प्रसाद दुबे हैं, तो ये लोग बेचारे कम से कम आज 10 बार उनके पीछे के लैंड, पीछे लैंड में जिस तरह से उनको आकर के धमका रहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि बीएमसी वाला आया था धमका, और कुछ लोग बोलते हैं बिल्डर का आदमी गुंडों के रूप में आकर के धमकाया, तो उसमें गुंडों का आदमी कौन है, बिल्डर का आदमी कौन है, है ना? अब उसमें पीडब्ल्यूडी का आदमी कौन है, मुंबई महानगर पालिका का आदमी कौन है, तो एक क्लियर होना चाहिए। और डिपार्टमेंट की आड़ में गुंडे जिस तरह से नस्ल पाकर काम कर रहे हैं ये सही नहीं, अगर गलत होगा तो समझ लीजिए इतना गलत है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हमारे ऊपर देखिए कितना अटैक हुआ, बिल्डरों ने अटैक किया, एक बार किया लाइन ऑर्डर किया, लाइन ऑर्डर के बाद दोबारा अटैक किया, भाई कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में किस तरह से कार्य किया गया। अच्छा, कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के हर एक ऑफिसर, मैं जानता हूँ लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जो जैसे क्राइम के ही हो गए और भाई अनेक तरह के पीआई लोग हैं, तो जो आज मेट्रो डिपार्टमेंट में आए यहाँ पे, मैंने उनकी कारभार को देखा, मुझे इतनी खुशी हुई कि नहीं पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह से खड़ी है, भाई आप अपना देख लीजिए, यहाँ तक आपका हाथ आता है माप लीजिए,
मेट्रो एजुकेशन में आया है, मेट्रो के डिपार्टमेंट का एरिया इतना अलर्ट है, तो माफ करके कार्य कर रहे हैं। तो मैं मेट्रो स्टेशन और मेट्रो पुलिस स्टेशन और MMRDA को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे से प्रोटेक्शन लिया है, जो कि पब्लिक के बारे में किसी भी तरह की गलत फहमियों को न फैलाते हुए आपने बस अपने सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन मांग के पब्लिक कोऑपरेटिव सिस्टम में जिस तरह से आपने काम किया, आज आपके ऊपर हमें गर्व हो रहा है, हर्ष हो रहा है कि नहीं भाई ऐसे भी अधिकारी लोग होते हैं जो आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेट्रो डिपार्टमेंट आप हमेशा सुखी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, एक गरीबों का दुआ, गरीबों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि 1962 के पहले से जिस तरह के लैंड पे लोग बैठे हैं, मैं बोलता हूँ आपके रिमार्क में अगर 3 मीटर लैंड आया तो आपने 3 मीटर लैंड लिया, लोगों को शिफ्ट किया, आपने 3 ही मीटर जगह तोड़ा। अभी PWD आएगी, उसके बाद अगर उनका जगह तोड़ती है तो रिकवरी आप में उनको कुछ दे, क्योंकि उस समय 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया जिस तरह का रेट था, आज यहाँ पर हजारों का रेट है, 25-25 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार कमर्शियल रेट है, जिसपे बिल्डर और बड़े पॉलिटिकल लोग ये अपना इन्वॉल्वमेशन दे करके उस जगह को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिसे डिपार्टमेंट की इज्जत का लोग ख्याल न रखें, क्योंकि भाई हम तो मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेट्रो उस समय भी आया था 2017-18 में आए, कितने अच्छे से लोगों को दिया, मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरा एरिया बड़ा है, 2000 स्क्वायर मीटर मेरा लैंड है, उसमें से एक लैंड मैं कलेक्टर से जीता हूँ PWD इंक्वायरमेंट MMRDA, तो उस प्लॉट का एरिया 1200 है जिसमें से मेट्रो ने 600 फीट तोड़ा है, तो 600 फीट पे वर्कआउट है मेरा, और 600 फीट पे हमारा कंटेम आपकोट है जिसमें कलेक्टर से लेके सब लोग प्रशासन से लेके हर एक लोगों को इन्वॉल्वेशन किया। आपने कोर्ट में केस भी किया उनके खिलाफ, अभी केस चल रहा है? चल रहा है, अथॉरिटी है, वाई दिस करेक्ट है, वाई दिस सिस्टम चल रहा है, जज ने पूछा है, वे लोग जवाब दिए हैं और हमदस्त चला गया है हर लोगों के पास, तो 18 लोग 12 लोग जितने भी इन्वॉल्वेशन है, तो कंटेम ऑफ कोर्ट की अथॉरिटी में मेरा प्राइवेट लैंड है जिसपे मैं बैठा हूँ। आज बहुत सारे लोग आते हैं बताते हैं कि नहीं भाई ये इनका प्रॉपर्टी है उनका, भाई मैं ये कहता हूँ कि 1962 से आज के डेट, जब मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर से मैं केस जीता 2000 स्क्वायर मीटर लैंड का, तो उस समय बिल्डर कहाँ थे, उस समय कटाऊ कहाँ था, आज मैं इस जगह पे जिस तरह से बैठा हूँ, गऊ मेरे पास गाय है, बाबू दादा थे तो वो लोग भैंस रखे थे, 250 एनिमल्स का लाए थे हमारे यहाँ, सब धंधा चलता था, लेकिन आज मेट्रो डिपार्टमेंट के जाने की वजह से, यहाँ से रोड निकालने की वजह से मेरा जो ऊपर से स्ट्रक्चर दिखने लगा, चलो क्या बोला ए भाई भैया जी मोटी प्रॉपर्टी है, मोटी प्रॉपर्टी है तो क्या करना तुम्हें लोग, गुंडा लोग घुसू ना हमसे प्रॉपर्टी से, क्या करना तुम्हें लोग, नहीं नहीं करना। लेकिन आप टैक्स भर रहे हैं उसका, आप प्रॉपर्टी आपकी है तो लीगल है, हर चीज डॉक्यूमेंट है आपके पास, फिर एक गिद्ध नजर बिल्डरों की क्यों है, क्या करें? अब इसमें भी देखिए फिर वही पुलिस की बुराई मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि 29 अक्टूबर 2018 जो अटैक किया गया 11:30 बजे दिन में 60 लोगों के ऊपर FIR कस्तूरबा पुलिस स्टेशन ने लिया है, और बड़ी मशक्कत से प्लस जेक और सोच पर फोर्स लगाने के बाद, इसके पहले FIR नहीं ले रहे थे, नाम था पिंपले सर सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है ना, नहीं लिए, क्राइम PI मोरे साहब प्रदीप मोरे, ये लोग क्या है, ये लोग मुझे उल्टा बुला करके पेपर डॉक्यूमेंट करके रिकवरी ऑफ पोजिशन, गुंडों से बात करते हैं बोलते हैं रिकवरी कंटा का, अम्मी पुलिस स्टेशन में बिठा के हम लोग टाइम पास करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास हवलदार, ऐसे ऐसे हवलदार, ऐसे ऐसे सच्चे पुलिस वाले इस धरती पर है कि जो मैं क्या बताऊँ, अभी नाम लेना मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि अब उनका नाम लेने से, क्योंकि ऊपर दबाव बड़े ऑफिसर है ना लोग, लेकिन आप ये समझो कि तुम आज के डेट में कर क्या रहे हो, अपनी मानवता बेच रहे हो, 3 स्टार PI, अरे यार तुमको देख के सलूट निकलता है, जय हिंद बोलता है भारत, है क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से मैं ये चाहूंगा, मुंबई नगर पालिका से ये चाहूंगा, और PWD के जो भी अधिकारी हो, एक PWD का अधिकारी है रमेश तारे, जिसके ऊपर MMRDA में वो घुस करके अपना ID कार्ड दे करके मुझे मेरे कंटेम ऑफ सिस्टम में फाइल है, हाई कोर्ट में जो मैंने रिट पिटीशन किया है उसमें उसका पूरा ID मैंने मेंशन किया, बैच नंबर से लेकर हर एक मेंशन किया है,
कि आप लोग पब्लिक को इतना ज्यादा परेशान मत करो। बिल्डर हो या किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, आपको जो जरूरत है पब्लिक को ऑपरेट करो, आपको मिलने वाला है। मैं यहाँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और जिला न्यायालय जो बोलते हैं जिला अधीक्षक और कलेक्टर कमिश्नर इन लोग से अपील करना चाहता हूँ कि गरीबों के साथ अत्याचार न करें और उस पर विशेष ध्यान दें।